किसान विरोधी ये डबल इंजन की सरकार को किसानों नौजवानों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है उसका खामियाजा भुगतना हो, उसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। तो जहाँ पर मिला है हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति जब आंदोलन ही चल रहा है, जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विशाल यादव। आज 5 दिसंबर है। आज तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया था कि आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे कृषि बिल के खिलाफ। लेकिन हम अभी मौजूद हैं गांधी मैदान में। ये 4 नंबर गेट है, गेट बंद है। आप देख रहे होंगे गेट किस तरह से बंद किया गया है और तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बाहर में ही दरी बिछा करके बैठे हुए हैं। गेट नहीं खोला जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खोला जा रहा। हम आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्यों, क्या कारण है, क्या रीज़न है कि गेट नहीं खोला जा रहा है। आइए, हमारे साथ विष्णु पटेल जी हैं, नेता हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सर गेट क्यों नहीं खोला जा रहा है? भाई जी तो हमसे पूछ रहे हैं, आपको प्रशासन से पूछना चाहिए था कि गेट क्यों नहीं खोलना है। किन किन मांगों को लेकर के आप आज धरना दे रहे हैं? या हम लोग का कोई मांग नहीं था। हम लोग का था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, इसके सांकेतिक हम लोग धरना पर जाना चाहते थे और गांधी मैदान में जो गांधी की मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करके और हम लोग संकल्प लेना चाहते थे। और वहाँ कोई धरने का तो कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उसका भी परमिशन इन लोगों ने नहीं दिया, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ बैठ गए। परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? आपने बात नहीं किया प्रशासन से? देखिए, ये प्रश्न का जवाब आप हमसे नहीं पूछिए, क्यों नहीं दे रहे हैं संकल्प लेने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए, यह सवाल तो आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। कृषि बिल को लेकर के आज केंद्र सरकार के द्वारा और किसानों से बातचीत होनी है, आज 5वीं बार बातचीत होनी, क्या लगता है सुलह होगा? ये वादे पे तुम ना आए तो कुछ हम ना मर गए, कहने को बात रह गई और दिन गुजर गए। वादा ही बहुत करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं है, इसलिए इनके वादे से लोगों का अब विश्वास उठ गया है। तो अब वादे पर कोई जाने वाला नहीं है। अब जो ये कहते हैं MSP नहीं खत्म होगा, तो भाई अब किसान कह रहा है कि आप कानून बना दीजिए, उसका वादा मत जाइए, आप कानून बना दीजिए आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसके लिए तैयार नहीं है। करें, हम वादा करते हैं। क्या क्या अभी तक वादा ये कर चुके हैं? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा, 15 लाख हर के खाते में भेजने का वादा, अच्छा दिन लाने का वादा, GST का वादा, नोटबंदी का वादा, सब वादा में लोगों का गर्दन कटा है। अब इस देश की जनता गर्दन कटवाने के लिए तैयार नहीं है और कृषि सेक्टर को किसी कीमत पर मल्टीनेशनल के हवाले जनता नहीं करने देगी। लगातार रोजगार को लेकर के मामला बढ़ रहा है, उठ रहा है। आप लोग 1 महीना बाद फिर से सड़क उतरने वाले हैं 19 लाख रोजगार को लेकर के। ठीक है ना, सवाल है ये बेरोजगार। हमने तो पहले ही कहा, मोदी जब आए थे तो उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौ, सब वादा ही रह गया। इसलिए बारी बारी से ये सारी बातें अब आएंगी और अब जो वादे का खेल, ये जो खेल रहे थे अब वो होने वाला नहीं है। अब तथ्य पे लोग बात करेंगे और इनकी विदाई करेंगे। तेजस्वी यादव कितने बजे आने वाले हैं? ये अपना आएंगे, वो आते रहेंगे। सर ये बताइए कि आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि किसी तरह ये लोग तो किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसको विफल बनाए, ये जनता की आवाज़ नहीं उठा सके, इसलिए बिल्कुल सरकार की सोची समझी साजिश है। इसलिए ये चाहते हैं, इन्होंने गेट खोलने का काम नहीं किया। हम लोग गेट खोले नहीं, हम तो 8 बजे पहुँच गए थे, हम लोग दरी जाजिम बिछवा चुके थे। गांधी जी की मूर्ति के समय हम लोगों ने दरी जाजिम बिछवाने का काम कर दिया था, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान प्रकोष्ठ का, और प्रशासन के लोगों ने आकर मुझे मना करने का काम किया कि आप यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने कहा कि आप बिछाने तो दीजिए, कहा कि बिछाने भी नहीं दूंगा। अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग गेट नंबर 4 के सामने बाहर बैठे हुए हैं
और यहाँ भी प्रशासन हम लोग को मना कर रही है। यह तुगलकी सरकार, इनका जो तुगलकी फरमान है, देश में कोई भी अगर आंदोलन करता है तो उसके विरुद्ध सरकार जो है कि केस करने का काम करती है, उनको डराने का काम करती है। आज देखिए छात्रों के साथ कल क्या हुआ है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हुआ। युवा जब अपने रोजगार के लिए रोड पर आते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती होता है। आंगनवाड़ी की सेविका, आशा की दीदी जो है कोई भी रोड पर आती है, सरकार उनके साथ लाठीचार्ज करने का काम करती है। तो यह अंग्रेज का जो हुकूमत ये लाना चाहती है, कॉरपोरेट घराने के हाथ में यह सरकार देश को देना चाहती है, तो यह किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग सिपाही हैं, हम लोग होने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग बाहर आकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। जैसे देखा कि आपने लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोका जा रहा है, गेट 4 नंबर को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर ये बताइए, आज ऐलान हुआ था कि धरना प्रदर्शन करेंगे गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के सामने। संकल्प सभा था गांधी जी के मूर्ति के पास जी। उसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है, तो जहां पर मिला है हमारे लोग यहां बैठे हुए हैं। कहीं नहीं मिला, सराउंडिंग्स में नहीं मिला। तो फिर आगे की जहां पर मिला नहीं है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है जी, तो लोग सड़कों पर यहाँ पर बैठ गए हम। आगे की रणनीति क्या होगी सर? फिर आगे की रणनीति, जब आंदोलन ही चल रहा है, जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में आज बात होनी है सेंट्रल के साथ, किसानों के साथ, क्या लगता है दिल्ली में जो बात होगी उसके बाद यहाँ आएगा तब पता चलेगा। आप लोग लगातार इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ और मांगे हैं? नीतीश कुमार इसको समर्थन कर रहे हैं। किसान विरोधी ये डबल इंजन की सरकार को, किसानों नौजवानों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है उसका खामियाजा भुगतना होगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कृषि बिल को लेकर के विरोध हो रहा है। तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो यहाँ पे बाहर में गांधी में 4 नंबर गेट के बाहर बैठे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुमति नहीं मिली थी इसीलिए गेट बंद है, कहा जा रहा है कि अब देखने वाली बात है कि गेट खुलती है या नहीं खुलती है। लगातार आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले हमारे सहयोगी सर दिखा रहे थे किस तरह से क्या कुछ हुआ, हमने भी अभी दिखाया क्या कुछ हो रहा है। अभी गांधी मैदान के बाहर का ये नज़ारा है, जो कि तमाम राजद के नेता हो, बड़े हो, छोटे हो, तमाम राजद के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाहर देखिए दरी बिछा करके बैठा हुआ, लगभग 8 बजे से ही, सुबह से ही लोगों का आना जाना, कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहा। और दिन भर का जो माहौल है, कृषि बिल को लेकर विरोध होना है दिल्ली में, सेंट्रल की बात करें तो दिल्ली में केंद्र सरकार और किसानों के साथ दिल्ली में बात होनी है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है हम आपको बताएंगे। ऐसे लगातार आप हमें देखते रहें, फॉलो करते रहें। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।